दसवीं सदी ईस्वी के बाद से वो नफरत का धारा सलीबी जंगों की शक्ल में आलम इस्लाम पर टूट पड़ा, और उसके बाद हाल ही में जो फतह इन्होंने हासिल की, नोट कर लीजिए कि जहां तक प्रोटेस्टेंट मजहब का ताल्लुक है वो तो पहले से इनकी जेब में था। ये वेस्ट का लफ्ज आपने पढ़ा होगा और अखबार में आता रहा, खलीज की जंग के दौरान वेस्ट एक तो कहते हैं ये भीड़ जो काट जाती है मुंसूद जाता है, एक वेस्ट मुखफ्फ है, व्हाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, सबसे पहले यहूद ने उन्हें शिकार किया, अपना आलायकार बनाया। यही वजह आपको मालूम है 1917 में अंग्रेजों के जरिए से उन्हें यह इजाजत मिली कि फिलिस्तीन में जमीनें भी खरीद सकते हैं, जायदादें भी खरीद सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, हिंदुस्तान इंग्लिस्तान का वजीर खारजा था जिसने कि यह इजाजत दिलवाई है, वरना यह कि खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही है, खलीफा उस्मानी तुर्क खलीफा ने इजाजत नहीं दी, इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, यह भी अब तारीख की एक हकीकत बयान कर रहा हूं जो शायद बहुत से हजरात के इल्म में न हो, कि जब यरूशलम के ईसाइयों ने सरेंडर किया है यरूशलम, हजरत उमर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से चार्ज लेने के लिए, उस वक्त जो ट्रीटी लिखी गई है, जो मुआहदा हुआ है, उसमें वहां के यहूदियों, यहां के ईसाइयों ने तय कराया था कि यहां आप यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, अपने माते मुकद्दसा को आकर देख सकता है, यहां आबाद नहीं हो सकता। और ये कौन शर्त रख रहा है? ईसाई। उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी, और यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूं समझिए कि सीमो जर से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुंह इन्हराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत खत्म ना होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता, तो ये कही थी बात जब हजरत शेख उलिंद रहमतुल्ला अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में, तो वहां का अंग्रेज कमांडेंट, उसने चूंकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज हजरत शेख उलिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हुए, ये तो बीमार तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्द बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इससे, आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के डर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर और यूं समझिए कि नाम निहाद खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत, लिहाजा उसको खत्म किया गया। और खत्म कराया गया किन के जरिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके जरिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपने साजिशों के जरिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके करवाए। बहरहाल बात लंबी हो रही है, पहली बात तो यह है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फर्क ये वाकई हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबेन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है, फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमेरिका है, अमेरिका का सदर यूं समझिए कि वो इन यहूदियों का गुलाम है, मजाल नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ है बुश का, हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन जरा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया, तो जो इलेक्शन में चारों शाने चित हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देख लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें ईसाई दुनिया उसकी आलायकार है। अब सूरत हाल क्या है? ईसाई दुनिया, मैं एक बात बता रहा था बीच में रह गई कि जहां तक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे वो तो पहले इनके हाथ में थे, हाल ही में इन्होंने जो फतह हासिल की है
वो कैथोलिक ईसाइयत को भी अपने हाथ में ले लिया है। चुनाचे पोप साहब ने फरमान जारी कर दिया है कि हमारे खुदावंद यसू मसीह के कत्ल की जिम्मेदारी इन यहूदियों पर नहीं है, बरी कर दिए गए। 1900 बरस के बाद, बल्कि 2000 बरस के करीब हो गए, उन्हें एक्सोनरेट कर दिया गया, एब्सॉल्व कर दिया गया, इन पर जिम्मेदारी नहीं। नतीजा ये निकला है कि अभी चंद महीने पहले जो मुजाकरात सुलह के हो रहे थे, जिनमें यासिर अरफात भी थे और ये इसहाक रेबिन गया हुआ था वाशिंगटन, वहां से वापस आया है, तो रोम में रुक कर पाप आए रोम से मुलाकात करके तशरीफ लाए हैं, उन्हें दावत दी है कि यरूशलेम आइए, और वेटिकान ने तस्लीम कर लिया है इसराइल को, और वेटिकान का अब जो है एक एम्बेसी, उसका जो है सफारत खाना वो यरूशलेम में बनने वाला है, और पोप साहब भी विजिट करने वाले हैं। गोया कि ये गठजोड़ अब मुकम्मल हो चुका, अब कहीं इसमें कोई कमी नहीं रही। इस यूनाइटेड फोर्स के साथ ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त आलम इस्लाम पर हमला आवर है। अब इसमें नोट कीजिए कि इस वक्त की फिदा है क्या। आलम इस्लाम में से आलम अरब उनके शिकंजे में जा चुका, क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इसराइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए। उन्हें बुलाकर मैड्रिड में पेश किया गया यहूदियों के सामने कि तुम जिनके साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं थे, मैड्रिड में आओ, आओ अपना कब्रिस्तान देखो। ये स्पेन की सरजमीन जहां तुमने 800 बरस हुकूमत की थी, ये तुम्हारा कब्रिस्तान, यहां आओ और बैठो और इनके साथ बात करो। गए थे कि नहीं तमाम फ्रंट लाइन स्टेट्स मैड्रिड में, हालांकि कोई बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कभी मैड्रिड में नहीं हुई, या तो ये वाशिंगटन में, बाद में वो सारे मामला वाशिंगटन में चले। शुरू वहां से किया, इसलिए कि न्यूज वीक का कुछ अरसे पहले कवर स्टोरी जो थी, 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन, व्हाई 1592 वाज द ईयर ऑफ द फॉल ऑफ ग्रेनेडा। 1492 में, 1492 में गर्नाटा का सुकूत हुआ, और पूरे आइबेरियन पेनिनसुला से एक एक मुसलमान बच्चा बच्चा निकालकर खत्म कर दिया गया, या जिंदा जला दिए गए, या तहे तेग कर दिए गए, या जहाजों में भर भर कर। और आपको मालूम है मेडिट्रेनियन की हैसियत क्या है, खलीज है, एक मामूली सी खलीज, इधर से स्पेन का साहिल करीब आ जाता है, स्पेन के साहिल से जहाजों में भरा और नॉर्थ अफ्रीका के साहिल के ऊपर फेंक कर आ गए। पूरे हस्पानिया में जहां 800 बरस मुसलमान की हुकूमत रही, एक बच्चा भी मुसलमान नाम का मौजूद रहा। यह था 1492, और अब आया था 1992। 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन, इसीलिए वर्ल्ड ओलंपिक्स रखे गए वहां, दुल्हन की तरह सजाया गया हस्पानिया को, और बुलाया गया, तलब किया गया, समन किया गया तमाम दो वाले अरब को, आओ यहां बैठो, और यहां बैठकर अपने इन यहूदी दुश्मनों के साथ मुसालहत की बात शुरू करो। बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका है। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। यह अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी यह एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है, ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी अब्दुल कादिर रोहिला, रोहिला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है, मालूम हुआ कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, खत्म, गैरत निकल गई। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया के आया, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। यरूशलेम का मशरकी हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं, यहां तक कि आपके यासिर अरफात साहब ने भी कुछ ना कुछ जो है एहतजाज की बात की है, हालांकि अब तक हर बात मानकर मिनकार जेरे पर था, लेकिन ये कि एक वक्त आता है आखिरकार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है। लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है, उनका थर्ड टेंपल 30वीं मरतबा हैकले सुलेमानी तामीर होना है,
नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है, उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मरतबा पहले नबूकदनेज़र के हाथों मिसमार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिसमार हुआ, सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए, पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं, अब उनकी हुकूमत है कि नहीं, अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं, अब उन्हें डर किसका है। लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी। ये तो बहरहाल एक नक्शा है। अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरी तस्वीर है, यह तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी। चुनाचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं, जाहिर बात है जाल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक का बोलबाला होकर रहेगा, ये तो इन आयतों से जाहिर है। يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وجواب الله الا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। अल्लाह ने तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मिशन देकर कि जो दीन हक आपको देकर भेजा जा रहा है उसे गालिब कीजिए, नाफिस कीजिए, कायम कीजिए, इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है। और वो बहरहाल आया जाल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। लेकिन नोट करने की बात यह है, जरा यहां थोड़ा सा तहम्मुल के साथ गौर कीजिएगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा देना शुरू कर दें। क्या हुजूर का मकसद बेसत उस वक्त मुकम्मल हो गया था, एक दर्जे में हो गया कि जज़ीरा नुमाए अरब पर अल्लाह के नूर का भी इत्माम हो गया, अल्लाह का दीन भी गालिब हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अरब के लिए भेजे गए थे? कुरान कहता है बबांगे दोहल, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो जान लीजिए कि ये मकसद बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतमाम कमाल उस वक्त पूरा होगा जब कुल आलम इंसानियत पर, कुल रूए अर्जी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाएगा जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उनके हाथों से, उनके ईसार से, उनकी कुर्बानियों से, जिनका नक्शा आपके सामने मौलाना खींच चुके हैं, उनके एहसान, उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनत, उनकी जफाकशी, उनकी सरफरोशी, उनके जान तन मन धन लगा देने के नतीजे में जैसे उस वक्त गालिब हुआ था, कुल रूए अर्जी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मुहम्मदी मुकम्मल होगा। यही वजह है इकबाल ने कहा था, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, आएगा वो दौर, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, नाजमन आकर रहेगा।